हेलो गाइस, क्या आप भी इस तरह की वीडियो मिक्सिंग करना चाहते हैं? तो आइए, हमारे यूट्यूब चैनल NS ऑफिशियल वीडियो पे आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आप नए नए तरीका से यूट्यूब पे और टिकटॉक के लिए वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, टिकटॉक पे कैसे फेमस होना है, टिकटॉक पे कैसे फेमस वीडियो डालना है, इस तरह की वीडियो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि से आप एडिट करना सीखना चाहते हैं, तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल NS ऑफिशियल वीडियो पे, जिसपे मैं बहुत ही अच्छे तरीका से टिकटॉक वीडियो मिक्सिंग करना सिखाता हूँ। उस पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो मिक्सिंग बताता हूँ, जो कि आपको मेरे अंदाज से कोई भी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको इस तरह से एक वीडियो शूट कर लेना है जिस तरह से मैं शूट किया। उसके बाद आपको जाना है आपके मोबाइल फ़ोन के काइनेमास्टर एप्लीकेशन में। आज दोस्तों, काइनेमास्टर एप्लीकेशन में जो कि आपके प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ऑलरेडी वहाँ पर मिल जाएगा काइनेमास्टर। अगर आपको वाटरमार्क फ्री चाहिए तो वो मेरे को बोलना कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ से लिंक आपको शेयर कर दूँगा पर्सनल वेबसाइट से। तो गाइस, चलिए आप अपने काइनेमास्टर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो वो ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ओपन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा है, प्लस का आइकन पर आप क्लिक कीजिए। प्लस का आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जिसमें रहेगा एक यूट्यूब साइज, एक रहेगा मोबाइल फ़ोन साइज, एक होगा 1.1 का। आप मोबाइल फ़ोन साइज चूज कर लीजिए। मोबाइल फ़ोन साइज चूज करने के बाद उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा वीडियो मिक्सिंग का डेस्कटॉप, जिस प्रकार से आपको मोबाइल फ़ोन में शो किया तो आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद गाइस, इसमें आपको जाना है मीडिया ब्राउजर पे। मीडिया ब्राउजर पे जाने के बाद वहाँ से आप जो वीडियो शूट करते हैं वो वीडियो को ले सकते हैं। आपको जो भी वीडियो बनाना है वो वीडियो आप मीडिया से ले सकते हैं। मीडिया में जाने के बाद आप जो वीडियो शूट किए थे वो आपको मिलेगा कैमरा में। कैमरा में जाने के बाद वहाँ से आप वो वीडियो ले लीजिए, जो वीडियो आपने शूट किए थे। तो ये लीजिए भाई, हमने ये वीडियो शूट कर लिया। ये वीडियो कैसे शूट करना है और वो तो आप देख ही चुके हैं पहले वाले, नहीं तो यहाँ पे भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये एक सैंडविच लेना है। सैंडविच लेने के बाद गाइस, आपको इस तरह से कुछ ग्लास को करना है जैसे कि हमको कोई चाय दे रहा है। इस प्रकार से करने के बाद देख लीजिए गाइस, तो इस प्रकार से करने के बाद हमको उसके बाद लेना है सैंडविच। उसके बाद हमको इसका आगे का पार्ट क्रॉप कर लेते हैं, जैसे हमको यहाँ स्क्रॉप करना है तो उस पर दबा के, वीडियो दबा के, दबाने के बाद हमको टर्न और स्प्लिट आएगा, उस पर दबा के हम वीडियो को क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद गाइस, यहाँ से हम जहाँ से आपको सूटेबल लगता है वहाँ से आप क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद आप फिर जहाँ से आप वो चाय का गिलास नीचे करते हैं वहाँ से आप क्रॉप कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ से नीचे किए तो यहाँ से हम कर लेते हैं क्रॉप। क्रॉप करने के बाद गाइस, आपको कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद फिर से आप आगे का भी पार्ट क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद इस तरह से वो आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में इसका फ़ोटो ले आइए, सैंडविच का फ़ोटो। लाने के बाद ये जो फ़ोटो में लाने में जो भी टाइम लगा तो उसमें जो गलत पार्ट है उसको आप काट करके हटा लीजिए। हटाने के बाद यहाँ से जहाँ से आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हो वो वाले पार्ट को रख लीजिए और बाकी सब का पार्ट कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप जाइए और उसको कट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ से हाथ आगे करते हो तो यहाँ से हम बीच वाले क्रॉप करेंगे। बीच वाले क्रॉप करने के बाद जो इधर का पार्ट है उसको हम क्रॉप करके हटा दिए। फिर अब देखिए, यहाँ से जो हम यहाँ से डालते हैं उस पर उसको रखेंगे, उसको नहीं रखेंगे, और जो उधर से निकालते हैं उसको सिर्फ रखेंगे। जैसे हम यहाँ से डाले तो यहाँ से इधर का पार्ट क्रॉप कर ली, फिर इधर जो बचा उसको हम रख लिया। रखने के बाद फिर इसको हम थोड़ा आगे करेंगे और इसमें जो खराब वाली पार्ट है उसको फिर निकाल लेंगे।